चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो सारा हम लोगों ने एनाटॉमी डिस्कस किया था उसका। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद में जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स कुछ अलग से मैं टॉपिक पढ़ाया दे रहा हूँ, हालांकि वहां पर भी एक दो डिसऑर्डर्स मैंने पीछे भी डिस्कस किए थे आपसे, लेकिन फिर से मैं एक बार अलग एक टॉपिक बना के पूरा आपको समझाया दे रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में बच्चों जो पहला डिसऑर्डर है वो है बीपीएच। क्या बोलेंगे इसको? बीपीएच। फुल फॉर्म इसका है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं हम लोग बच्चों। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या है? ट्यूमरस स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेटिक का मतलब क्या है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसको आप बोल सकते हो ट्यूमर। इसको आप क्या बोल सकते हो? दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद में जो तीसरा आपका है वो कौन सा है? हाइपर ट्रॉफी। हाइपर मीन्स होता है बच्चों क्या? ज्यादा, है ना। और ट्रॉफी मतलब क्या मैंने बताया था? साइज। यानी कि अगर प्रोस्टेटिक ग्लैंड का इलार्जमेंट हो जाए तो आप उस डिसऑर्डर को बोलोगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ओके, देखिए आप नाम से ही पता चल रहा है हमें यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स, है ना। क्योंकि यहां पर मैंने बताया किसकी वजह से हो रहा है? ट्यूमर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये प्रॉब्लम होगी तो आप बोलोगे वहां पर पेनफुल मिक्चुरेशन होने लगता है। जो यूरिनेशन होता है वो कैसा होता है? पेनफुल होने। तो ये एक पहला डिसऑर्डर है प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड है उसके इनलार्जमेंट की वजह से, और उसको आप बोले हो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे की जब आप बात करोगे तो वहां पर आपको नेक्स्ट जो है वो मिलेगा इम्पोटेंसी। इसका मतलब समझते हैं। इम्पोटेंसी का मतलब क्या है? इन एबिलिटी टू अचीव और होल्ड द पेनिस। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? कि जो पेनिस है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, इरेक्टाइल नहीं रह जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे इन एबिलिटी टू अचीव और होल्ड द पेनिस। वहां पर इरेक्टिबिलिटी जो था पेनिस का वो नहीं बचेगा, तो उस इंडिविजुअल को हम क्या बोल देंगे? उसके अंदर इम्पोटेंसी आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है स्टरलिटी। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए आप, बहुत क्लोजली रिलेटेड दोनों हैं टर्म्स, लेकिन दोनों अलग अलग। इम्पोटेंसी अलग है और स्टरलिटी अलग है। स्टरलिटी क्या है? स्टरलिटी का मतलब है इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टाइल ओवम। जो ओवम है उसको वो क्या कर नहीं पाएंगे? जो है
फर्टाइल अगर आप बात करोगे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे ओवम को, क्योंकि जब तक स्पर्म आके फ्यूज नहीं करेगा तब तक ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो वही मैंने लिखा है कि स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, इनएबिलिटी ऑफ अ स्पर्म टू फर्टाइल ओवम, यानी कि ऐसा स्पर्म जो अब इस काबिल नहीं बचा हुआ है कि ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, तो ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। इम्पोटेंसी की जब बात करोगे तो बच्चों वहां पर केवल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस है वो अचीव नहीं हो पाएगा या वो इरेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कॉपुलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोटेंसी। अब आप लोगों ने शुरुआत में मैंने आपको जब डिस्कस किया था तो एक आपको मैंने और डिसऑर्डर याद करिए बताया था मैंने, वो था इंग्विनल हार्निया। ध्यान से सुनिएगा, इंग्विनल हार्निया, इसको देखते हैं बच्चों। इंग्विनल हार्निया में आप याद करिए, मैंने कुछ इस तरीके का स्क्रोटल पाउच वाला स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे इस तरीके से, और यहां पर मैंने बोला था ये टेस्टिकल्स हैं, और टेस्टिकल्स ये ऐसे यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल रहा है, और यहाँ पर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रहा है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था जिसको बच्चों हम क्या बोल रहे थे, इंग्विनल कैनाल बोल रहे थे, और ये एब्डोमिनल या पेल्विक रीजन को कनेक्ट कर रहा था स्क्रोटम पाउच से या टेस्टिकल से। तो यहां पर ये वाला जो इंग्विनल हार्निया जो होगा, ये इंग्विनल कैनाल था। अब किसी वजह से होता क्या है, ये पूरा जो आपका इंग्विनल कैनाल होता है किसी वजह से ये अंदर स्क्रोटल पाउच तक आ जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं हम कि सस्पेंशन ऑफ या सस्पेंडेड इंग्विनल कैनाल इन स्क्रोटम पाउच में बच्चों क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे कि ये जो आपका इंटेस्टाइनल पार्ट है या इंग्विनल कैनाल है वो आ जाके हैंग करने लगेगा, तो उसको आप बोलोगे इंग्विनल हार्निया, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे ही इंग्विनल टिश्यू जो होगा उसका टियरिंग होगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होगा वो कहां आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं, देखिए ये मान लिया हमने स्क्रोटम पाउच है, यहां पर ये मेसेंट्रिक वॉल लगी हुई होती है, ऐसे ये मेसेंट्रिक वॉल लगी हुई होंगी ऐसे इस तरीके से, और यहां से ये टेस्टिस है, ये ऐसे टेस्टिकल्स जो आपका होगा उससे क्या निकलेगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलेगा, इसके ऊपर क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा इधर इस तरीके से, देखिए ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। अब होगा क्या, मान लो किसी वजह से ये जो मेसेंट्रिक वॉल है ये वाला, ये रप्चर हो जाए, तो जैसे ये रप्चर होगा टूट जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मान लो ये एक्सटेंड कर गया, इसमें आके लटक गया, सस्पेंड कर गया, तो जब इंटेस्टाइन कहां सस्पेंड हो जाएगा, इंटेस्टाइन सस्पेंड हो जाएगा कहां पर, जो है आपके स्क्रोटल पाउच में, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर आपको इंग्विनल हार्निया हो जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये आपको इंग्विनल हार्निया भी समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोला, यहां पर टियरिंग ऑफ इंग्विनल टिश्यू होगा बाय विच प्रोट्यूशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू स्क्रोटम, यानी कि इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है ये कहां आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा, उस वजह से बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे इंग्विनल हार्निया, ठीक है। अब एक और डिसऑर्डर है इसके बाद में बच्चों, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एडम, ADAM, एडम, समझिए एडम। एडम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम बोलते हैं A for androgen, D for deficiency, एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मैन। जो एजिंग वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होगा इस डिसऑर्डर में, देखिए इस डिसऑर्डर में आप बोलोगे एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मैन, यानी कि बूढ़े लोगों में एंड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाना,
उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म में आप बोल सकते हो एंड्रोपॉज। क्या बोल सकते हो बच्चों? एंड्रोपॉज। जैसे मेनोपॉज होता है फीमेल्स में, वैसे हम क्या बोलेंगे? एंड्रोपॉज, यानी कि एंड्रोजेंस का निकलना बंद हो गया है। और इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, मैन का मेनोपॉज हो गया। क्या हो गया? मैन का मेनोपॉज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, तो आप बोलोगे रिड्यूस द, क्या हो जाएगा यहां पर, रिड्यूस द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल बच्चों क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस समय पे जो है ओल्ड एज में उनका सिक्रीशन कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडम के बाद में जो नेक्स्ट था, ये फिफ्थ नंबर का था, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद में बच्चों, तो वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे इसको, वो कौन सा है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। हालांकि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो मींस बच्चों होता है हिडन, क्रिप्टो मींस क्या होता है, हिडन। ऑर्किडिज्म मींस होता है टेस्टिस, यानी कि डेवलपमेंटल टाइम पे अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होंगी, मैंने क्या बोला था, डेवलपमेंटल टाइम पे क्या होगा यहां पर, स्क्रोटल पाउच जो होगा वो ऐसे मान लो स्क्रोटल पाउच है, ये एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन है, इसी में क्या रह जाता है, टेस्टिस रह जाती है, यहीं पर टेस्टिस रह जाती है। ये मान लिया हमने टेस्टिस है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है, टेस्टिस है, तो टेस्टिस जब यहीं पर रह गई तो क्या होगा, स्क्रोटल जो पाउच था, जो स्क्रोटम था वो तो एम्प्टी रह गया, खाली हो गया, एम्प्टी रह गया, खाली रह गया, तो यहां पर क्या होगा, टेस्टिस तो कहां, एब्डोमेन में ही रह गई। तो अब जो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेनेंस हो रहा था, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से कोल्ड और जो है आपका विंटर में या समर में किस तरीके से जो है जो स्क्रोटल पाउच होता है वो आउटसाइड द अवे फ्रॉम द बॉडी या टूवर्ड्स द बॉडी कैसे जाता है, तो जब टेस्टिस ऊपर ही रह गई तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर आप एक सिंपल लाइन में बोल दोगे कि टेस्टिस, मैं सारा समझा दिया हूं आपको, बस एक सिंपल लाइन में मैं लिखे दे रहा हूं नोट्स के लिए कि टेस्टिस नॉट डिसेंड, टेस्टिस नॉट डिसेंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम इट लीड्स टू स्टरिलिटी, क्योंकि तो वहां पर स्पर्म्स किसी काम के बचेंगे नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म में बोलोगे एक ऐसा बीमारी जिसमें टेस्टिस जो होते हैं वो स्कोटम पाउच में डिसेंड नहीं हो पाते हैं, हैंग नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता और स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं हो पाती, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते, एक और जो मैंने बताया था आपको हाइड्रोसील, हाइड्रोसील में आप बोलोगे इट इज द कलेक्शन ऑफ किसका कलेक्शन है, फ्लूइड का कलेक्शन है, यूजुअली इन ट्यूनिका कौन सी थी, वेजाइनलिस। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस में जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोसील। तो ये माइनर सर्जरी करके उसको हम जो वाटर एक्सेस है उसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो थे बच्चों वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करने से, शुरुआत करने से पहले जो मेल जो हमने पढ़ा है उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर आप लोग बोलिए, ठीक है,